कल सुबह ही एक जो खबर आई जिससे पूरी इंडस्ट्री पूरी बिखर के रह गई, खबर आई कि कादिर खान जी नहीं रहे, आपने बहुत काम किया है उनके साथ, आपकी क्या क्या कहना चाहिए, आपकी क्या फीलिंग? देखिए, नया साल में हर इंसान बहुत खुश होता है, पर जैसे ही ये पता चला कि कादिर भाई नहीं रहे तो जाहिर है कि बहुत ही अफसोस हुआ, और जैसे नए साल का जो पूरा जश्न था उसका मज़ा ही किरकिरा हो गया। क्योंकि कादिर साहब के साथ मैं बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने उनके साथ काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन मुझसे पहले ही कादिर भाई बहुत सीनियर थे, और जब मैंने उनके साथ काम करना आरंभ किया था तब मैं एक नई आई थी इंडस्ट्री में, और वो अपने आप में एक बहुत बड़े फिगर थे क्योंकि वो बहुत मशहूर लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में जिनके बारे में अब सब जान ही गए हैं, जवानी दीवानी से शुरू किया उन्होंने करियर और बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, और उसके बाद अभिनेता तो बहुत ही बढ़िया थे, उन्होंने हर तरह के कैरेक्टर किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और बाद में तो उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही मशहूर हो गई थी, और उनके कैरेक्टर करने का ये था मज़े की बात कि एक तो उनकी ज़बान बहुत साफ़ थी क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, वो इंजीनियरिंग कर चुके थे, इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, और उर्दू हमेशा वो जब मिलते थे तो कुछ लिखते ही रहते थे, अपने डायलॉग्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्प्रोवाइज़ करते थे, और मेरी जब मुलाकात हुई थी तब मैं एंटर डेविड जी के कैंप में मैंने एंटर किया था, मेरी पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल, उसमें मेरा एक छोटा सा सीन था, और कादर भाई के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, मगर कादर भाई वो सीन देख रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी कि कौन आ गया शेरनी, और मेरे को बाद में सतीश कौशिक जी, क्योंकि उनको मैं जानती थी पहले से एनएसडी में, उन्होंने कहा कि यार सब तेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, खासकर कादिर भाई। उसके बाद क्योंकि मेरी डेविड जी के कैंप में, तो डेविड जी के कैंप का तो वो एक ज़रूरी हिस्सा होते थे, उसके बाद हमने हीरो नंबर वन की, तो पूरा यूरोप साथ में घूमा और बहुत सारी फिल्में की, मिस्टर मिसेस खिलाड़ी, इतनी सारी फिल्में कि मतलब इस वक्त आई एम सो डिस्टर्ब, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहे, तो बहुत उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता था, और वो हम लोग इम्प्रोवाइज़ भी करते थे तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे, वो कहते थे बड़ी बदमाश एक्टर है, तो बहुत अच्छे अच्छे हमने काम साथ में किए, और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही जैसा वो कॉमिक कैरेक्टर प्ले करते थे उससे कहीं ज़्यादा उनके साहित्य में बड़ी रुचि थी, और मैं भी थोड़ी बहुत एमएससी ऑर्गेनिक, तो इस मामले में वो ये भी कहती थी यार ये भी पढ़ी लिखी, और बड़ी सीख भी देते थे, बहुत समझाते रहते थे कि हम जब कभी भी आउटडोर जाते थे तो मैं शॉपिंग के लिए निकल जाती थी तो मुझे डांटते थे कि अरे बेवकूफ़ इतना पैसा मत खर्च किया कर, कुछ बचा आगे की ज़िंदगी में, कि आर्टिस्ट की लाइफ लिमिटेड होती है, बाद में क्या करोगे, और फिर मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, हाल थोड़ा बहुत असर हुआ, ज़्यादा नहीं, मेरी शॉपिंग आज तक चालू है, लेकिन मतलब बहुत ही प्रेम करते थे, जिन लोगों से वो प्यार करते थे तो उनकी बहुत देखभाल करते थे, और मुझे याद है हीरो नंबर वन में मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम, तो उसकी छुट्टियाँ थी, तो मैं उसको लेकर गई आउटडोर पे, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, तो उस मेरे बेटा छोटा था, छोटे बच्चों की आदत होती है ना, बड़े उत्सुक होते थे, तो मेरा बेटा हर चीज़ का सवाल करता था, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो मतलब परेशान हो जाते थे सब लोग, मतलब मेरे साथ साथ यूनिट उसके जवाब, वहाँ पे हम सीन में वो नदी का सीन कर रहे थे तो बोट राइड गाने में, तो वो वहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के छोटा वर्जन है, तो मैंने उसको बता रही थी बेटा देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये फ्रांस ने अमेरिका को दिया था जो इतना बड़ा वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो बोलता है मेरा बेटा, पूछता था कि ऐसा क्यों, फ्रांस ने क्यों दिया अमेरिका को, तो कादिर भाई ने कहा इधर आओ, हर सवाल के तीन जवाब होते थे, मतलब हिलेरियस, बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझे हंसी भी आ रही क्योंकि वो इस किस्म के व्यक्तित्व थे, और जैसा कि आपने कहा कि उन जैसा मल्टी टैलेंटेड जो कि एक्टर भी हो और इतना अच्छा लेखक भी हो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हैं, और मतलब उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, और हम सब उनको बहुत मिस करेंगे।
मैम एक कोई मेमोरी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत से मूवी मैंने किए आपको हैं, मेमोरी तो शेयर की अपने बेटे वाली। लेकिन ऐसे जो चीज़ आपको जो थ्रू आउट जर्नी, क्योंकि गोविंदा जी से हमने कल बात की, उन्होंने कहा हर मूवी में कुछ ना कुछ सीखने मिलती थी और वो कुछ ना कुछ जो एडवाइस देते थे वो मतलब लॉन्ग टाइम बहुत काम आते थे, तो आपको भी ऐसा कुछ दी हो टिप्स जो आपको लॉन्ग टाइम काम आए हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसा मैंने आपको बोला ना, वो मुझे हमेशा रोकते थे कि बहुत फिजूल खर्ची करती है तू लड़की, तो थोड़ा संभल के रहा कर, और बहुत सिखाते रहते थे, जो कि अब धीरे धीरे समझ में आता है। उस टाइम तो लगता है कि ठीक है, कि मैं जहाँ कहीं भी आउटडोर जाती थी, बस जैसी शूटिंग ख़त्म हुई शॉपिंग के लिए निकल गई, इतने सारे सारे बैग्स तो होटल में मिलते थे, डांटे फिर गई तू शॉपिंग। तो सीख तो वो सबको देते थे, एक्टिंग के टिप्स देते थे और साहित्य के बारे में भी काफ़ी बातचीत करते थे, तो उनके साथ समय बिताना बहुत इंटरेस्टिंग होता था। हर एक के साथ नहीं खुलते थे, लेकिन जिनके साथ वो घुलते मिलते थे उनको बहुत प्यार देते थे, क्योंकि हम तो हमारे लिए तो सीनियर थे और हम उनकी बहुत इज्जत करते थे और करते रहेंगे, थे गलत शब्द है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैंने एक तो बताया आपको कि मेरे बेटे को जो उन्होंने वो सीख दी थी, और बाद में मतलब मुझे भी कई तरह की सीख देते थे, और उनसे जो सीखने को मिला कि वो क्यों इतने अच्छे राइटर थे, तो वो डायलॉग इतना अच्छा बना लेते थे खुद तुरंत, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। और हम लोग का एक कॉमन इंटरेस्ट और था, थिएटर, थिएटर के बड़े शौकीन थे, और मैं भी थिएटर से हूँ, तो बड़ा मज़ा आता था जब हम मैं बताती थी कि कादर भाई मैंने ये नाटक किया, अच्छा तो मैंने ये लिखा था वहाँ, ये नाटक किया था, बहुत ये सारी यादें जुड़ी हैं उनके साथ। ओके हेमा जी, लास्ट क्वेश्चन, कादिर जी ने 300 भी से ज़्यादा मूवी की है, राइटिंग भी की है, 1970s के दशक में उनको इतना मतलब पसंद किया जाता था कि एक्टर के अलावा उनको देखने के लिए, उनको देखने लोग के लिए आते लोग आते थे थिएटर में। कल ही रूमे जाफरी जी ने कहा कि इतने जन को मतलब अवार्ड्स मिला है, तो कादिर खान को पद्मश्री क्यों नहीं दिया गया है? क्या आप भी मानते हैं कि ये सही है, मतलब उन्हें भी देना चाहिए था? बिल्कुल, वो डिज़र्व करते हैं। मतलब मैंने तो अखबार में ये पढ़ा और मैं शॉक्ड रह गई कि उनको एक भी अवार्ड नहीं मिला है, विच इज़ रियली सैड, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि जिनको अवार्ड मिला वो डिज़र्विंग नहीं थे, डिज़र्विंग थे, लेकिन आई थिंक कादर भाई भी डिज़र्व करते थे कि उनको कोई अवार्ड दिया जाए, तो इट्स अ ग्रेट लॉस। और कादर भाई का लॉस नहीं है, ये जो अवार्ड्स हैं उनका लॉस है कि उनको क्यों नहीं दिया गया, जबकि उनके साथ में कई लोगों को अवार्ड मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू, चाय और पानी पी ले।